बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर के टॉपिक का आगाज किया था, जिसमें हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर की पहली किस्म सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। और आज के लेक्चर में हम कंट्रोल स्ट्रक्चर की दूसरी किस्म सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने सिक्वेंशियल फ्लो की डिटेल्स आपसे डिस्कस की थी। और सिक्वेंशियल फ्लो क्या था, जैसे मिसाल के तौर पर आपकी मॉर्निंग रूटीन, आप पहले उठते हैं, देन टीथ ब्रश करते हैं, फिर शावर लेते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, एंड सो ऑन। यानी ये तमाम स्टेप्स आप सिक्वेंशियली परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरह एक प्रोग्राम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन से मिलकर बनता है और हर एक इंस्ट्रक्शन को स्टेटमेंट कहा जाता है। तो अगर उस प्रोग्राम में तमाम स्टेटमेंट्स सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रही हैं, कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट प्रोसेस होगी, फिर सेकंड स्टेटमेंट, फिर थर्ड, एंड सो ऑन, तो इस तरह के फ्लो ऑफ प्रोग्राम को सिक्वेंशियल फ्लो कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका प्रोग्राम सिक्वेंशियली ही एग्जीक्यूट हो। यानी जिस तरह रोजमर्रा की जिंदगी में हम तमाम काम सिक्वेंशियली नहीं करते, बल्कि जब हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शंस मौजूद होते हैं, तो हमें भी उन ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना होता है। जैसे आपको स्कूल से घर जाना है, और स्कूल से घर तक जाने के आपके सामने दो ऑप्शंस, दो रास्ते मौजूद हैं, तो यकीनन यहाँ आपको इन दोनों में से किसी एक ही रास्ते को सिलेक्ट करना होगा। और वो रास्ता आप सिलेक्ट करेंगे किसी कंडीशन की बेस पर, कि आया पहला रास्ता ज्यादा छोटा है या फिर दूसरा रास्ता, और फिर उसी कंडीशन के सही या गलत होने पर आप रास्ते को सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर हम लिखते हैं कंडीशन। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो हम इस स्टेटमेंट को चलाएंगे, अगर फॉल्स होगी तो इस स्टेटमेंट को सिलेक्ट करेंगे। यानी अगर पहला रास्ता यानी W1 अगर छोटा है दूसरे रास्ते से, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप सिलेक्ट करेंगे पहले रास्ते को, क्योंकि पहला रास्ता छोटा है। लेकिन अगर पहला रास्ता छोटा नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो आप सिलेक्ट करेंगे दूसरे रास्ते को, क्योंकि इस तरह आपको ये पता लगेगा कि दूसरा रास्ता छोटा है। तो दोस्तों, इस तरह हम रोजमर्रा की जिंदगी में कई दफा कंडीशंस का सामना करते हैं। अगर आप इसको एक और एग्जांपल से देखें, पहले हमने सिक्वेंशियल फ्लो के अंदर एक एग्जांपल देखी थी कि आप मॉर्निंग रूटीन आप फॉलो कर रहे होते हैं, पहले आप उठते हैं, फिर बाथरूम जाते हैं, और बाथरूम जाने के बाद आप अपने टीथ ब्रश करते हैं। अब अक्सर ऐसा भी तो होता है कि जब आप अपना टूथपेस्ट देखते हैं तो वो खाली होता है, तो अब क्या होगा? अब आपने अपने आप से सवाल करेंगे कि क्या मेरे पास, यानी आप एक कंडीशन लगाएंगे। और याद रखिए, कंडीशन के लगाने पर हमेशा उसके दो ही आंसर आते हैं, तो या तो वो आंसर ट्रू होगा या फिर फॉल्स। और यहाँ कंडीशन क्या होगी, आप अपने आप से क्या सवाल पूछेंगे कि क्या मेरे पास एक और टूथपेस्ट मौजूद है। यानी अगर ये टूथपेस्ट खत्म भी हो गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सवाल करेंगे कि क्या मेरे पास एक और टूथपेस्ट मौजूद है, आप एक कंडीशन लगाएंगे। और अगर कंडीशन का आंसर ट्रू आएगा तो आप वो दूसरा टूथपेस्ट यूज कर लेंगे, और अगर फॉल्स आएगा तो अब आप या तो टीथ ब्रश ही नहीं करेंगे, या फिर बाहर से पहले टूथपेस्ट लेकर आएंगे और फिर ब्रश करेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह कंप्यूटर में भी तमाम प्रोग्राम सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट नहीं होते, वहां भी हमें कंडीशंस को लगाने की जरूरत होती है। जैसे मान ले एक प्रोग्राम है जिसमें आपने दो नंबर्स इनपुट दिए हैं, और आपको उन दो नंबर्स में से ये जानना है कि इनमें कौन सा नंबर बड़ा है। तो अब आप कंडीशन लगाएंगे और उन दोनों नंबर्स को आपस में कंपैरिजन करवाएंगे, चेक करेंगे कि आया कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंडीशन का रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स। अगर ट्रू आएगा तो वो अपनी सब स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा इस तरह से, और अगर फॉल्स आएगा तो वो अपनी सब स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो अब दोस्तों, अगर हम इसी फ्लो चार्ट को यहाँ पर देखें, सॉरी इसी प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट देखें, एल्गोरिथम देखें, तो वो कुछ इन स्टेटमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। यानी ये छह स्टेटमेंट्स आपके पास सामने मौजूद हैं, और यहाँ पर हमने सबसे पहले इन दो नंबर्स को इनपुट लिया, और इनपुट लेने के बाद हमने एक कंडीशन लगाई। यानी अगर आप देखें इस फोर्थ स्टेप में, तो हमने ये कंडीशन लगाई है। और तो डियर फ्रेंड्स, अब आपके प्रोग्राम का पूरा फ्लो डिपेंड करेगा इस फोर्थ स्टेटमेंट पर, जो कि है कंडीशनल स्टेटमेंट।
अगर इस कंडीशनल स्टेटमेंट का आंसर ट्रू आएगा तो फोर्थ स्टेटमेंट के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट मौजूद होगी यानी 4A अब वो प्रोसेस होगी। लेकिन अगर इस फोर्थ स्टेटमेंट में जो कंडीशन लगी हुई है उसका आंसर फॉल्स आएगा तो अब फोर्थ स्टेटमेंट के बाद वाली यानी 4A एग्जीक्यूट नहीं होगी बल्कि डायरेक्ट फिफ्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद वाली एग्जीक्यूट होगी। तो दोस्तों इस तरह की स्टेटमेंट जिनमें कंडीशन लगी हुई होती है तो उन कंडीशंस की वजह से प्रोग्राम का फ्लो सीक्वेंशियल नहीं रहता बल्कि अब पूरे प्रोग्राम का फ्लो डिपेंड करता है उस कंडीशन के ट्रू या फिर फॉल्स होने पर। और यहाँ आपने एक बात और ऑब्जर्व की होगी कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो प्रोग्राम का कोई और हिस्सा चलेगा वरना कोई दूसरा हिस्सा चलेगा। और दोस्तों यहाँ आप एक और चीज ऑब्जर्व करें कि जो सीक्वेंशियल फ्लो था वहां पर अगर ये सीक्वेंशियल फ्लो होता तो ये तमाम स्टेटमेंट्स वन बाय वन एग्जीक्यूट हो रही होती, यानी सीक्वेंशियल फ्लो में कोई भी स्टेटमेंट ओमिट नहीं होती, कोई भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं होती जो एग्जीक्यूट ना हो। लेकिन सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर जो है उस जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो ओमिट भी हो सकती हैं, यानी अगर आपने ये देखा कि ये स्टेटमेंट ट्रू होती है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर इफ ए इज लेस देन बी लिखा हुआ है और ए है 5 और बी है 10, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या 5 जो है वो 10 से छोटा है, तो यहाँ पर इसको आंसर मिलेगा ट्रू। और अगर ये आंसर ट्रू मिलेगा तो ये इफ के ब्लॉक में जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। और याद रखिए अब ये जो ये फिफ्थ स्टेटमेंट है और ये 5A स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये प्रोग्राम से ओमिट हो जाएंगी, निकल जाएंगी। तो दोस्तों इस तरह से हमें ये भी पता चला कि जो हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर हमारी स्टेटमेंट जो है वो तमाम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती बल्कि कंडीशन के बिहाफ पर सिर्फ कुछ ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। इसीलिए इसको डिसीजन या फिर सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कंप्यूटर को डिसीजन लेना होता है, फैसला करना होता है उस कंडीशन के बिहाफ पर कि प्रोग्राम के किस हिस्से को सिलेक्ट करना है फॉर द एग्जीक्यूशन। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिए चाहे आप एल्गोरिथम लिखें, फ्लो चार्ट बनाएं या फिर प्रोग्राम कोड करें, जहां कहीं भी आप कंडीशनल या फिर सिलेक्शनल स्टेटमेंट्स यूज करेंगे वहां आपको कुछ कीवर्ड्स को यूज करना होगा जिनमें पहला कीवर्ड है इफ और दूसरा कीवर्ड है एल्स। दोस्तों याद रखें जब भी आपने कोई भी कंडीशन देनी होती है आपने उससे पहले इफ लिखना जरूरी है। जैसे अभी हमने एक कंडीशन देखी थी कि जब आपका टूथपेस्ट खत्म हो गया था तो वहां आपने क्या कंडीशन लगाई थी कि अगर मेरे पास एक और टूथपेस्ट मौजूद है तो मैं वही टूथपेस्ट इस्तेमाल करूंगा और अगर मेरे पास एक और टूथपेस्ट नहीं है तो मैं अपने दांत ही ब्रश नहीं करूंगा। अब अगर हम इस पूरे सिनेरियो का एल्गोरिथम बनाएं तो वो कुछ इस तरह का होगा कि इफ एन अदर टूथपेस्ट इज प्रेजेंट आई विल ब्रश माय टीथ एल्स आई विल नॉट ब्रश माय टीथ। तो यहाँ पर हमने जो दो कीवर्ड्स यूज किए हैं वो है इफ और एल्स। और फ्रेंड्स यहाँ अगर आप गौर करें तो हमने इफ के बाद एल्स का वर्ड भी यूज किया है। तो याद रखें जब कभी आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं और उनमें से एक आपको सिलेक्ट करना होता है तो पहला ऑप्शन आप इफ की कंडीशन के बाद देते हैं और दूसरा ऑप्शन आप एल्स की स्टेटमेंट के बाद लिखते हैं। अब क्या होगा अगर इफ में जो कंडीशन लगी हुई है वो ट्रू होगी तो इफ के ब्लॉक में जो स्टेटमेंट होगी ये वाली ये एग्जीक्यूट होगी और अगर इफ के अंदर मौजूद कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के बाद जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। अब दोस्तों ये तो हमने इसका एल्गोरिथम देख लिया, इसी तरह अगर आप इसका फ्लो चार्ट देखें और तो फ्लो चार्ट के अंदर आपको डिसीजन देने के लिए आप इस डायमंड बॉक्स को यूज करेंगे और इस डायमंड बॉक्स में आप अपनी डिसीजन लिखेंगे, आप अपनी कंडीशन लिखेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आप इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर जो कि प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है वहां पर अपनी स्टेटमेंट लिख देंगे और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो जो आप स्टेटमेंट्स फॉल्स के ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो लिख देंगे। तो फ्रेंड्स ये कहलाता है सिलेक्शन या फिर कंडीशनल फ्लो जिसमें आपके प्रोग्राम की तरतीब क्या होगी, वो किस तरह से किस वे में एग्जीक्यूट होगा ये डिसाइड किया जाता है। यहाँ पर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ जिसमें हमने सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर को सीखा, आप उसका एल्गोरिथम किस तरह से बना सकते हैं, आप उसका फ्लो चार्ट किस तरह बना सकते हैं, इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर की तीसरी किस्म आइट्रेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।